तो आज का टॉपिक नंबर 10 है SFBM डायग्राम, जब सुद्धालंबित धरण पर बिंदु भार एवं संवितरित भार दोनों कार्यरत हों। इससे पहले के वीडियोस में हमने देख लिया है कि सुद्धालंबित धरण पर जब पॉइंट लोड लगता है और जब संवितरित भार लगता है, तो हमने दोनों का अलग अलग SF और BM डायग्राम बना लिया है। तो अब ये केस है जब बिंदु भार और संवितरित भार दोनों एक साथ लगे होंगे। तो शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम व्हेन द बोथ UDL एंड पॉइंट लोड एक्टिंग ओवर दिस सिंपली सपोज। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया जो दिख रहा चित्र में, ए बी हमारी एक धरण है और सिंपली सपोर्टेड हुए हैं। तो यहाँ पर ए पर और बी पर यहाँ पर दो सपोर्ट हैं। तो UDL यहाँ पर लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन का, जो लगा हुआ है टोटल लंबाई 4 में, टोटल लंबाई 4 पर लगा हुआ है। और साथ ही में बिंदु सी, जो हमारा बिंदु सी बिंदु डी से जिसकी दूरी है 2 मीटर, तो यानी कि एक बीचों बीच में एक लोड और लगा हुआ है UDL जहाँ पर है 10 किलोन्यूटन का। तो बिंदु डी और बिंदु सी पर 10 किलोन्यूटन का दो लोड लगा है। तो इस चित्र का हमें बनाना है SF और BM डायग्राम। तो हम चलते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं रिएक्शन फोर्स। तो टेक ओवर प्रतिक्रिया बल निकालने के लिए हमारा पहली कंडीशन जो होती है, जब हमारी छड़ साम्यावस्था में होती है, तो छड़ों पर लगने वाले समस्त बलों के बीजगणितीय योग जो होता है हमारा 0 होता है, जिसमें बलों का संतुलन का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू 0 करते हैं। तो उससे पहले ऊपर के लगने वाले फोर्सेस को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे के लगने वाले फोर्सेस को नेगेटिव ले रहे हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पर ए है, तो एक है यहाँ पर, तो यहाँ पर रिएक्शन हो रही हुई पैदा हमारी आर ए। ऐसे ये बी पर एक सपोर्ट और है जहाँ पर रिएक्शन पैदा हो रही है आर ए बी। तो अब करते हैं, तो आर ए ऊपर की ओर लग रहा है तो पॉजिटिव, उसके बाद -10 किलो न्यूटन का जो यहाँ पर सी पर लग रहा है, उसके बाद बिंदु भार डी पर लग रहा है एक 10 का, और एक UDL लग रहा है जो बीचों बीच में कार्यरत होगा टोटल। तो टोटल लोड हो गया इसका 8, कहाँ लग रहा होगा बीचों बीच में, तो -8, क्योंकि डायरेक्शन क्या नीचे की तरफ, और आर वी क्या हो गया ऊपर की तरफ, प्लस आर वी इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गई आर ए प्लस आर वी इक्वल टू माइनस प्लस का 28 किलो न्यूटन। तो ये हमारी कंडीशन इक्वेशन नंबर एक बन गई। अब करते हैं कंडीशन नंबर दो, जो हमारी है साम्यावस्था की स्थिति में किसी बिंदु पर धरण पर लगने वाले समस्त बलों का जो आघूर्ण होता है, उनका बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होना चाहिए। ये हमारा आघूर्णों का संतुलन का नियम है। तो हम यहाँ बिंदु ए पर आघूर्ण ले रहे हैं, तो यानी सिग्मा एम एट ए इक्वल टू हमारा होना चाहिए 0। तो ए पर आघूर्ण लेते हैं, तो एक साइड से देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आर बी, उससे पहले एंटी क्लॉक वाइज को हम ले रहे हैं पॉजिटिव, क्लॉक वाइज को ले रहे हैं निगेटिव आघूर्ण को, एंटी क्लॉक वाइज आघूर्ण पॉजिटिव और क्लॉक वाइज आघूर्ण निगेटिव। तो आर बी हमारा धरण को कहाँ की तरफ घुमाएगा, एंटी क्लॉक वाइज। तो आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस है 6, उसके बाद UDL लगा हुआ है हमारा टोटल पर, तो UDL का टोटल लोड है 8, ये घुमाएगा हमारा क्लॉकवाइज। तो माइनस का 8 इंटू डिस्टेंस कितनी होगी, ये दो है तो 4। उसके बाद हमारा पॉइंट लोड है यहाँ पर 10 का बिंदु डी पे, तो ये घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो माइनस का 10 इंटू टोटल डिस्टेंस 4 20 ए से। ऐसे ही इसके बाद दूसरा अगला लोड है 10, ये घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो माइनस का 10 इंटू 2, तो एक क्वेश्चन होना चाहिए 0। तो आर बी, तो 6 RB क्वेश्चन हो गया हमारा, ये माइनस के सर उधर से चले गए 32 प्लस 40 माइनस प्लस 20, तो ये आ गया हमारा 2692। तो 6 RB इक्वल टू 92। तो यहाँ पर RB की वैल्यू निकल गई हमारी 15.33 किलो न्यूटन। ऐसे RA की वैल्यू निकालने के लिए हमने इक्वेशन नंबर एक पे RB की वैल्यू रख दी, तो RA इक्वल टू 28 माइनस 15.33 इक्वल टू 12.67 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर हमारी RA और RB की वैल्यू निकल गई। तो हम यहाँ पर अपना फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे ताकि हम SF और BM डायग्राम बना सकें। तो आर ए निकला हमारा 12.67, आर बी निकला हमारा 15.33। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट लोड हमारा सी पे है 10 किलो न्यूटन का, और डी पे है 10 किलो न्यूटन का। इसके बाद पूरे पे हमारा 4 मीटर पर हमारा UDL है, जिसकी यूनिट वैल्यू है 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर। तो ये हमारा बन चुका है इतना। अब इसके बाद बनाते हैं SF डायग्राम। तो हमें पहले SF डायग्राम बनाने के लिए SF की वैल्यू चाहिए होगी, तो निकालते हैं SF या शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमें शियर फोर्स की वैल्यूज चाहिए होंगी अलग अलग पॉइंट्स पर, तो वो निकालते हैं। कर्तन बल आरेख निकालने के लिए सबसे पहले जो इसका रूढ़ी चिन्ह उनको देखते हैं। रूढ़ी चिन्ह हमारा था ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्सेस को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे की तरफ लगने वाले फोर्सेस को निगेटिव ले रहे हैं, जब हम देख रहे हैं दाई तरफ से, तो हम दाई तरफ से देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये रहा हमारा चित्र, दिख रहा होगा सभी को, ये हमारी दूरी होगी यहाँ पर 2, ये भी 2 है, 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर। तो देखना स्टार्ट करते हैं। तो SF
बिफोर बी, बी से पहले, तो बी से पहले कोई लोड है यहाँ पर? नहीं है, तो इक्वल्स टू जीरो। ऐसे ही एस एफ एट बी एक लोड है, तो एस एफ एट बी तो इक्वल्स टू हो गया 15.33। तो यहाँ 15.33 हमारा है लोड, 15.33 किलो न्यूटन। कहाँ की तरफ लग रहा है? ऊपर की तरफ, तो आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं बी के बाद यहाँ पर एक यूडीएल है और एक डी पे हमारा पॉइंट टू है। तो हम यहाँ पर बी डी पर एक सेक्शन लेंगे। तो यहाँ पर हमने बी डी के बीच में एक सेक्शन ले लिया एक्स एक्स, जिसको हमने लाल पेन से दिखा दिया, जिसकी दूरी बिंदु बी से एक्स है। तो इसका मतलब जो एक्स होगा हमारा कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है? बी से डी के बीच में। तो इसकी वैल्यू जो होगी 0 से 2 के बीच में ही फुलफिल, यह इक्वेशन हमारी इतने के बीच में ही फुलफिल करेगा। तो आगे इक्वेशन बनाते हैं इसके लिए एस एफ एक्स एक्स, ताकि हमें वैल्यूज़ पता चल सकें और पता चल सके कि बी डी के बीच में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक। तो ये रहा हमारा एस एफ एक्स एक्स। तो एस एफ एक्स एक्स इक्वस टू क्या हो गया? यूडीएल लगा हुआ है और एक पॉइंट रोड है उससे पहले, तो पॉइंट रोड ऊपर की तरफ लगा हुआ है, तो प्लस का 15.33 ये पॉइंट रोड का होगा। यूडीएल कितने में लगा हुआ है? एक्स दूरी पर। टोटल रोड कितना हो गया इसलिए 2x। कहाँ की तरफ लगा? नीचे की तरफ, तो माइनस का 2x। तो ये हमारी एस एफ की इक्वेशन निकल गई किसके बीच में? बी डी के बीच में। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये रैखिक समीकरण। तो इसका मतलब बी डी के बीच में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक रैखिक बनेगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे किसी एंगल पर बनेगा, एक्स के पहले नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू का टर्म है। तो हमारा 0 से 2 के बीच में है, तो एक्स इक्वल टू 0 जब हम रखेंगे यहाँ पर, तो एस एफ की वैल्यू निकल जाएगी बी पे। तो यहाँ 0 पुट करते हैं तो आ गया 15.33 इक्वेशन पे। ठीक है, ऐसे एक्स इक्वल टू जब हम 2 रखेंगे तो एस एफ निकल जाएगा बी से पहले, डी से पहले। डी से पहले क्यों? क्योंकि डी वाला फोर्स इसमें इंक्लूड नहीं है, तो डी से पहले। तो 15.33, तो एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ, -2 × 2 इक्वल टू 15.33 -4, तो ये आ गया 11.33 किलो न्यूटन। तो ऐसा बिफोर डी हमारा निकल गया 11.33। अब इसके बाद सी और डी के बीच में भी हमारा एक यूडीएल है, तो हम यहाँ भी एक सेक्शन ले लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि डी सी के बीच में हमारी इक्वेशन कैसे बन रही है। तो करते हैं, तो यहाँ हमने डी सी के बीच में एक सेक्शन ले लिया वाई वाई, जिसके बिंदु बी से दूरी कहाँ है? कितनी है? बिंदु बी से दूरी इसकी वाई है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं बिंदु बी सी, इसकी दूरी हमारी वाई वाई है, तो एस एफ वाई वाई इक्वस टू, तो एस एफ वाई वाई इक्वस टू चित्र में देखते हैं। तो यूडीएल लगा हुआ है यहाँ और 2 पॉइंट रोड है, एक 10 का है, एक आर बी है। तो पहले आर बी को लेते हैं, एक साइड से देख रहे हैं, इधर से देखते हुए चलते हैं। तो आर बी का माइनस प्लस का 15.33, ठीक है। उसके बाद यूडीएल लगा हुआ है टोटल, तो यूडीएल कितने पर लगा हुआ है? पूरे वाई पर लगा हुआ है, क्योंकि हमने बी से मान लगा, तो पूरा वाई पर लगा। तो टोटल लोड कितना होगा यूडीएल का? 2y। कहाँ के लग रहा है? नीचे की ओर, तो 2y। ठीक है, उसके बाद पॉइंट रोड लगा हुआ है एक 10 का, तो माइनस का 10, तो ये 10 मीटर, 10 किलोमीटर। तो ये इक्वेशन भी हमारी किसके टर्म में आ रही है? वेरिएबल के टर्म में आ रही है, वाई है, तो ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन बनी है। तो इसका मतलब हमारा सी डी के बीच में भी ग्राफ क्या बनेगा? एक एक्सिस के किसी कोण पर बनेगा, एक्सिस पे, यानी एक्स के पैरेलल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो वाई है हमारा, वाई किसके बीच में है? वाई हमारा है सी डी के बीच में। तो वाई कहाँ से कहाँ तक वैलिड रहेगा हमारा? ये रहेगा वैलिड क्योंकि हमने वाई माना बी से, तो ये 2 था हमारा, तो यानी कि 2 से लेके 4 तक। तो वाई हमारा मूव कर सकता है, या वैलिड होगा हमारा वाई 2 से लेके 4 तक। तो यहाँ पर यदि वाई की वैल्यू हम रखते हैं 2, तो ये एस एफ कहाँ पर निकलेगा हमारा? एस एफ निकलेगा डी पे, क्योंकि वाई कोस्ट यदि 2 रखते हैं, यानी कि वाई कोस्ट 2, तो ये यहाँ कहाँ पर जाएगा? डी पे। तो वैल्यू में, तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं 2, तो 15.33 -2 × 4 और -10, तो इक्वल टू 15.33। तो यहाँ पर वाई इक्वल टू 2 रखने पे एस एफ एट डी निकल जाएगा हमारा। तो ये निकलेगा हमारा 15.33 -4 -10 इक्वल टू 15.33 -14, तो ये निकल जाएगा 1.33 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम रखते हैं वाई इक्वल टू 4, तो एस एफ निकल जाएगा हमारा सी पे। तो वाई इक्वल टू 4 रखते हैं इक्वेशन पे, तो 15.33 -2 × 4 यानी 4 × 8 -10, तो इक्वल टू 15.33
33 माइनस का 18, तो इक्वल्स टू 2.67 किलो न्यूटन। तो SF हमारा निकल चुका है, ये हमारा होगा बिफोर सी, क्योंकि इसमें हमारा 10 इंक्लूड नहीं है। डी निकल गया है प्लस का 1.33 किलो न्यूटन, ऐसे ही SF बिफोर सी निकल गया माइनस 2.67। तो अब बढ़ते हैं, SF बिफोर सी निकल गया तो SF एट सी निकालने के लिए यहाँ पर हमारा ये वाला 10 किलो न्यूटन भी इंक्लूड हो जाएगा। तो SF एट सी इक्वल्स टू 15.33 माइनस 8, 4 इंटू 2 नीचे को लग रहा, तो माइनस 8 माइनस 10 और माइनस 10, तो ये आ गया माइनस का 12.67 किलो न्यूटन। अब क्योंकि ए और सी के बीच में और कोई लोड नहीं है, एक सी पर था एक ए पर है, तो सीधे SF बिफोर ए निकाल लेते हैं, तो वही निकलेगा जो सी पे निकल रहा है, क्योंकि इसके बीच में कोई लोड नहीं है। तो 15.33 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 10, तो इक्वल टू माइनस का 12.67 किलो न्यूटन। इसके बाद SF एट ए निकाल लेते हैं, तो SF एट निकलेगा हमारा 15.33 माइनस 4, 4 दुनिया 8 माइनस 10 माइनस 10 और माइनस का 12.67, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0 किलो न्यूटन। अब क्योंकि ए और सी के बीच में कोई और लोड नहीं है, ना पॉइंट टू ना UDL, तो यहाँ इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा हमारा क्या बनेगा, एक्स एक्सिस का पैरेलल बनेगा। तो अब ग्राफ बनाते हैं SF डायग्राम। तो SF डायग्राम बनाने से पहले हमने यहाँ पर SF की जो वैल्यूज तो जो निकाली थी उनको नोट कर लिया। तो SF बिफोर भी हमारा 0 था, SF एट भी हमारा 15.33 किलो न्यूटन था, SF बिफोर डी हमारा 11.33 किलो न्यूटन था, ऐसे ही SF डी था हमारा 1.33 किलो न्यूटन, ऐसे ही SF बिफोर सी था हमारा माइनस का 2.67 किलो न्यूटन, SF एट सी था हमारा माइनस का 12.67 किलो न्यूटन, SF बिफोर ए था हमारा माइनस का 12.67 किलो न्यूटन, और SF एट ए था हमारा 0 किलो न्यूटन। और साथ ही हमारी जो बिंदु सी और जो डी हैं, तो बी डी के बीच में इक्वेशन निकली थी हमारी SF XX, तो इक्वल टू था 15.33 माइनस 2X, जो एक लीनियर इक्वेशन थी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा हमारा, तो बढ़ते हुए क्रम में तो घटते हुए क्रम में बनेगा। ऐसे ही सी डी के बीच में भी एक इक्वेशन बनी थी हमारी, तो जो हमारी थी SF YY, तो इक्वल टू थी वो 15.33 माइनस 2Y माइनस 10। तो वैल्यूज़ लिख लिए, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उससे पहले हमने पैमाना ले लिया, एक सेंटीमीटर बाद 3 किलो न्यूटन, और साथ प्लस माइनस का यहाँ पर हमने डिनोट कर रखा है। तो SF बिफोर भी, तो ये 0, SF बिफोर भी हमारा 0 है, SF एट भी 15.33, तो ये रहा 12, साफ सी बात है ये 15 होगा, तो 15.33 हमारा यहाँ रहा, SF एट भी हमारा 15.33 किलो न्यूटन हो गया, SF बिफोर डी, बिफोर डी डी हमारा 11.33, तो बिफोर डी ए हमारा 11.33, तो 11.33 हमारा यहाँ रहा। और साथ ही में बी डी के बीच में हमारी इक्वेशन बन रही है SF XX 15.33 माइनस 2X, यानी कि लीनियर इक्वेशन है, तो ये कुछ लीनियर इक्वेशन हमारा ये आएगी। इसके बाद SF एट डी हमारा निकला 1.33, तो 1.33 हमारा यहाँ है, तो यानी हम इसको कहें 10 के वजह से नीचे आ गया SF एट डी, तो SF एट डी हमारा निकल गया 1.33। उसके बाद है SF बिफोर सी, यानी सी से पहले, तो यह है माइनस का 2.67 किलो न्यूटन, तो माइनस का 2.67 किलो न्यूटन मतलब इधर। और साथ ही में हमारे सी डी के बीच में जो इक्वेशन है वो बनी हुई है 15.33 माइनस 2Y माइनस 10, यानी कि लीनियर इक्वेशन है, तो ये हमारा कुछ जाएगा इस प्रकार, यानी बीच में जीरो से होते हुए जाएगा, क्योंकि ये ऊपर यहाँ प्लस में था यहाँ निगेटिव है, तो ये जीरो होगा। अभी हम इसके बाद निकालेंगे कि ये जीरो कितनी दूरी पर होगा, तो वो किससे निकलेगा हमारा, इस SF YY से। तो निकाल लेते हैं SF YY इक्वल्स टू 15.33 माइनस 2Y माइनस 10 इक्वल्स टू, यानी हमारा जो SF की वैल्यू जीरो कब होगी यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो पूछा हुआ है, तो कैसे निकलेगा। हमने Y माना है अपना दूरी यहाँ से, कहाँ से Y माना हमने बिंदु B से, तो Y की दूरी निकालनी है वैल्यू हमें, तो हम इक्वल टू इसको जीरो कर लेंगे, तो 15.66 मीटर के आसपास, तो ये लगभग 66 के आसपास हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा SF इक्वल टू जीरो होगा। आगे बढ़ते हैं SF एट सी, तो SF एट सी हमारा है माइनस का 12.67, तो माइनस का 12.67 है, तो ये इधर आ गया। उसके बाद क्योंकि यहाँ कोई हमारी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें पता है दो पॉइंट लोड के बीच में ग्राफ हमारा पैरेलल बनेगा एक्स एक्सिस के, ऐसे बिफोर ए निकाला था हमने, बिफोर SF बिफोर ए निकला हमारा माइनस का 12.67, तो इक्वल वैल्यू है, तो माइनस का 12.67 हो गया, ऐसे SF एट ए निकला हमारा जीरो, SF एट ए निकला हमारा जीरो, तो इन पॉइंट्स को अब मिला देंगे, हमारा SF डायग्राम बन जाता है।
तो ये हमारा SF डायग्राम बन गया। तो BM डायग्राम बनाने बनाने से पहले हमें BM की वैल्यूज चाहिए अलग अलग पॉइंट्स पे, तो उसको निकालते हैं। तो अब निकालते हैं BM की इक्वेशन। तो BM की इक्वेशन इसलिए निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, ताकि हमें पता चल सके ग्राफ हमारा लीनियर बन रहा है, पैराबोलिक बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो उसके लिए हमने चित्र हमारा जैसा पहला बना हुआ था SF डायग्राम में, उसी को हमने ले लिया है। तो क्योंकि हम करेंगे दाईं ओर से शुरू, तो दाईं ओर से हम यदि देख रहे हैं तो हम ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज रोटेशन को या क्लॉकवाइज आघूर्ण को नेगेटिव। तो शुरू करते हैं। तो BM एट B, तो BM एट B हो गया हमारा। तो BM एट B कितना हो गया, केवल एक आरबी फोर्स लगा हुआ उस पर, तो और डिस्टेंस हमारी 0 है, तो यानी 0 किलो न्यूटन मीटर निकल गया। अब क्योंकि सेक्शन हमारा है BD के बीच में, क्योंकि हमने SF में भी एक सेक्शन लिया था BD के बीच में XX, तो वही हमारा यहाँ पर भी है। तो हम BM XX निकालेंगे इससे, जो हमारा किसके बीच के लिए वैलिड होगा, केवल BD के बीच में। तो यानी जो हमारी जो X की वैल्यूज़ होगी वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, वो हो सकती है 0 से लेके 2 तक। तो BM एट XX निकालने के लिए देखते हैं। तो BM एट XX लगा निकालने के लिए पहले यहाँ देखते हैं कितने फोर्स है। तो एक फोर्स RV है, दूसरा UDL है। तो RV यानी 15.33 कहाँ की तरह घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस हो गया। इसका दूरी कितनी होगी यहाँ पर, यह है एक्स, तो 15.33 × x। उसका दूसरा फोर्स है UDL हमारा यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस कितने पर लगा हुआ है, एक्स पर लगा हुआ है। और ये कहाँ की तरफ घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो माइनस। तो फोर्स की टोटल वैल्यू कितनी होगी, 2 × x, सही है। और डिस्टेंस कितनी होगी, UDL हमारा कहाँ लगता है, बीचों बीच, तो यानी दूरी होगी × x/2। तो सॉल्व करते हैं, 15.33 x - 2 x² 15.33 x², तो BM एट XX हमारा निकल गया 15.33 × x - x². तो यहाँ पे x की पावर हमारी 2 है, यानी कि ये परवलय की समीकरण बन गया। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ बनेगा BD के बीच में, ये बनेगा परवलयकार, ठीक है। इसके बाद जैसा हमारा सेक्शन सेक्शन था C और D के बीच में भी था एक सेक्शन हमारा YY, तो लेते हैं उसके लिए CD के बीच। CD के बीच में हमारा सेक्शन YY था, तो ये कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है, D और C के बीच में। तो जो Y होगा हमारा, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरिएट करेगी, क्योंकि हमारा Y जो है कहाँ से ले रखी दूरी इसकी, बिंदु B से, तो वेरिएट करेगा 2 से 4 के बीच में वेरिएट कर सकता है, ये इसी के बीच में वैल्यूड होगा। तो अब निकालते हैं BM YY। तो BM YY इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितने लोड हैं, एक RV, दूसरा UDL और तीसरा पॉइंट लोड। तो एक तरफ से देखते हैं, तो RV कहाँ की तरफ घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस 15.33। डिस्टेंस कितनी होगी टोटल, वाई, ठीक है, वाई 15.33 × y। उसके बाद UDL, टोटल लोड कितनी दूरी पर लगा हुआ है, 4 पे, सॉरी टोटल कितने पर लगा हुआ है, वाई पे। तो टोटल लोड कितना होगा, 2 × y, कहाँ की तरफ घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो माइनस डिस्टेंस कितनी हो गई, बीचों बीच लगेगा, वाई है, तो y/2 × y/2, ठीक है। उसके बाद तीसरा लोड हमारा 10, कहाँ के थ्रू हुआ है, क्लॉकवाइज, तो माइनस का 10 × ये डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल हमारी वाई है, ये 2 है, तो ये हो गया हमारा y-2। तो इक्वल टू हो गया 15.33 y - y² - 10 y-2। तो ये भी हमारा जो BM YY निकला है हमारा, दिख रहा होगा सभी को। तो BM YY की इक्वेशन भी हमारी वाई स्क्वायर के टर्म में है, यानी ये भी क्या होगी, परवल है की समीकरण। यानी कि हमारा जो ग्राफ बनेगा D और C के बीच में, ये भी क्या बनेगा, परवलयाकार बनेगा, ठीक है। हमारी दो इक्वेशन निकल गई हैं, वैल्यूज़ निकाल लें। तो वैल्यूज़ निकालने के लिए हम BM एट हमें निकालना है B पे, तो BM एट B के लिए, क्योंकि यहाँ पर है, तो इक्वेशन में हमारा पहले ही निकला था BM एट B हमारा कितना निकला था, 0 किलो न्यूटन। या इक्वेशन में हम क्या पुट कर देंगे, इक्वेशन में कर देंगे 0 पुट, तो 15.33 × 0 - 0, तो यहाँ BM एट B इक्वल टू 0 निकल जाएगा। ऐसे एक्स इक्वल टू जब यहाँ पर रखते हैं हम 2, तो ये कहाँ पर निकल जाएगा, D पे निकल जाएगा। तो BM एट D निकालने के लिए यदि हम इस वाली इक्वेशन पर रखेंगे तो x इक्वल टू D रखना पड़ेगा, यदि इसमें निकालना चाहेंगे तो x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू रखना पड़ेगा 2, तभी जाके निकलेगा ना। तो BM एट D निकल जाएगा हमारा 15.33 × 2 - 4, 2 × 4। तो सॉल्व करते हैं इसको, D निकल जाएगा हमारा 26.6 किलोमीटर मीटर। ऐसे अगर हमें निकालना है BM एट C निकालना है,
तो बी एम एट सी निकालने के लिए हमें यहाँ बी एम वाई वाई, क्योंकि इसमें कितना पुट करना पड़ेगा, उसमें पुट करना पड़ेगा हमें 4, तो यहाँ इसमें वैल्यू रखते हैं बी एम वाई वाई निकालने के लिए। तो 15.33 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2, यानी वाई माइनस 2 10 इंटू 2 हो गया। तो इक्वल्स टू सॉल्व करते हैं तो बी एम एट सी निकल जाएगा हमारा 25.32 किलोमीटर मीटर। ऐसे ही अब क्योंकि बी एम एट ए निकालना है हमें, तो बी एम एट ए निकालते हैं सीधे। तो बी एम एट ए इक्वल्स टू, यहाँ चित्र में देखते हैं, चित्र में देखते हैं कितना तो लोड है, 1 2 3 4, 4 लोड है। तो 15.33 इंटू आ जाएगा कितना, 2 2 2, यानी टोटल 6। कहाँ के तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो 6 प्लस का। उसके बाद यूडीएल हमारा टोटल कितने पर लगा, 4 पे, ठीक है ना, टोटल 4 पे लगा। तो टोटल लोड कितना हो गया, टोटल लोड हो गया 8, 4 2 नहीं 8, 8 हो गया। कहाँ को घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो माइनस। अब डिस्टेंस कितने लेंगे हम इसके बीचों बीच, यानी कि ये दो, तो यानी 2 और 2 4, ठीक है, ये वाली 4 आ जाएगा। यहाँ पर लग रहा हूँ ना बीचों बीच, 4 दूनी 8, तो ये टोटल हो गया हमारा 4 इंटू 4। उसके बाद हमारे यहाँ पॉइंट लोड भी है 10 का, डिस्टेंस कितनी है 4, और कहाँ के तो ऊपर है क्लॉकवाइज, तो माइनस का 10 इंटू 4। उसके बाद अगला हमारा 10 का क्लॉकवाइज घुमाएगा, दूरी कितनी है 2, तो माइनस का 10 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर ये हमारा निकलता है नियरली 0 के। तो अब बी एम डायग्राम बनाते हैं, वैल्यू हमारी निकल गई है, इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर बी एम डायग्राम बनाने के लिए हमने बी एम की वैल्यूज़ लिख दी हैं। बी एम एट बी हमारा निकला था 0, बी एम एट डी निकला था 26.66 किलोमीटर मीटर, बी एम एट सी निकला था 25.32 किलोमीटर मीटर, ऐसे बी एम एट ए निकला था हमारा 0 किलोमीटर मीटर। साथ ही में बी और डी के बीच हमारी इक्वेशन निकली थी 15.33 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये परवलय की इक्वेशन निकली थी हमारी। तो यानी बी डी के बीच में हमारा जो ग्राफ बनेगा परवलयाकार बनेगा। ऐसे बी एम एट वाई वाई निकला था हमारा, जो था हमारा सी डी के बीच में जो निकली थी 15.33 वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई माइनस 2। तो इसमें भी जो पावर है इस समीकरण की वो है 2, तो यानी सी डी के बीच में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो परवलयाकार बनेगा। तो ग्राफ बनाते हैं, उससे पहले पैमाना लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर ले रहे हैं हम यहाँ पर 10 किलो न्यूटन मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलो न्यूटन मीटर। तो इनको ग्राफ में दिखाते हैं, यहाँ पर एस एफ सॉरी बी एम चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर बी एम, तो बी एम एट बी निकला हमारा यहाँ पर 0, तो ये 0 रहा हमारा। ऐसे बी एम एट डी निकला 26.66 किलोमीटर, तो बी एम एट डी निकालेंगे 26.66 किलोमीटर, क्योंकि पॉजिटिव है, तो प्लस का 26.66 किलोमीटर, ये रहा हमारा 25.26। ऐसे बी एम एट सी निकला हमारा 25.32, तो बी एम एट सी हमारा है 25.32। तो यहाँ ड्रॉ कर दिया हमने, ऐसे बी एम एट ए हमारा है 0, ठीक है। तो साथ में एक चीज़ ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है कि एस एफ जहाँ पर हमारा 0 होता है तो वहाँ बी एम की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ ध्यान देना। तो बी एम की वैल्यू हमेशा हमारी क्या होगी, मैगजिम होगी, जहाँ पर जब एस एफ की वैल्यू 0 होगी। तो एस एफ की वैल्यू यहाँ 0 है, तो यहाँ हमारा बी एम सबसे ऊपर होगा। साथ में यहाँ पर जो इक्वेशन बननी हमारी परवलयाकार बन रही है, तो इनको अब ड्रॉ करते हैं। तो ए और सी के बीच हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो इक्वेशन है या कोई और लोड नहीं है, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसके बाद सी से लेकर डी तक यहाँ पर परवलयाकार बन रहा है, और हमारा यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा। जैसा हमें पता है ऐसे जब 0 होता है हमारा, वहाँ पर हमारा बी एम मैक्सिमम होता है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा, या आप इसको निकाल भी सकते हैं, क्योंकि हमने वाई इक्वल टू यहाँ पर इक्वेशन में रख के निकाले, तो वाई इक्वल टू कितना निकला हमारा 2.66, ठीक है। तो हम जो बी एम, तो हमारा जो बी एम वाई वाई निकला हुआ है, इस पर यदि हम एफ वाई की वैल्यू 2.66 रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा निकल जाएगा बी एम, जो हमारा मैक्सिमम होगा। तो ये हमारा यहाँ पर परवलयाकार है, तो ये हमारा बी एम डायग्राम बन गया। इसको मिला लेते हैं, तो ये हमारा बी एम डायग्राम बना है जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल फोर्स और पॉइंट लोड दोनों लगे होंगे। तो क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है दोस्तों, बस आपको क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यूडीएल में ग्राफ कैसा बनता है, एसएफ और बीएम का पॉइंट लोड में कैसा बनता है। मैंने सारे सवालों में इक्वेशन निकाल के बताया आपको, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बार बार, यदि आप सीख जाएंगे एक बार। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।